गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सिखा में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बनाएंगे सोयाबीन आलू की सब्जी। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले सोयाबीन को भिगो दिया है और आलू कट कर लिया है और फिर उसके बाद हमने सारे मसाले को ले लिया है, प्याज, लहसुन, जीरा, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ये पीला और दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता ले लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ऑयल डाल दिए हैं हमने कढ़ाई में। तो कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद आप देख सकते हो ऑयल हल्का गर्म हो जाए आपका। तो सबसे पहले हम गर्म होने के बाद इसमें सोयाबीन को जो हमने रखा था भिगो करके उसको छान कर इसमें डाल देंगे और डाल करके अच्छे से सबसे पहले इसे हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ऑयल में डाल करके हल्का ही ऑयल रखना है, आपको इतना डालना है कि ये अच्छे से तल जाए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको तल लेना है अच्छी तरीके से चलाते हुए, हल्का ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे चलाते हुए हल्का सा ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हो ये हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। फिर उसके बाद ब्राउन करने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा ब्राउन हो चुका है, फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में और फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में हम तेल को डालेंगे और तेल डाल करके आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको आलू भी इसमें डाल करके अच्छे से हल्का ब्राउन इसे भी कर लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से चलाते हुए हल्का ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको आलू को भी हल्का सा ब्राउन कर लेना है चलाते हुए। धीमे फ्लेम में ही पकाना है आपको, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको निकाल लेना है आलू को फ्राई करके। फिर उसके बाद उसी पैन कढ़ाई में हम डाल करके ऑयल डाल देंगे और फिर उसके बाद जीरा डालेंगे। इस तरीके से आपको जीरा डाल देना है और फिर उसके बाद जीरा डालने के बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा कुछ कली लहसुन की डाल देना है। लहसुन डालने के बाद प्याज डाल दोगे आप इस तरीके से कट करके और फिर उसके बाद हम एक तेज़पत्ता डालेंगे और एक बड़ी इलायची, एक छोटी, दो छोटी इलायची आपको डालना है और इलायची डालने के बाद इसमें छबीला डालोगे आप इस तरीके से और फिर एक दालचीनी आपको डाल देना है छोटा सा। फिर सब कुछ डाल करके इसे हल्का ब्राउन कर लेना है आपको। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चलाते हुए इसे अच्छे से हल्का ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको हल्का ब्राउन कर लेना है, धीमे फ्लेम में ही पकाना है आपको, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें आप सब सोयाबीन और आलू को ऐड कर दोगे इस तरीके से। आप देख सकते हो आपको इस तरीके से सोयाबीन और आलू को ऐड कर लेना है और फिर उसके बाद इसे अच्छे से इस तरीके से आप चला लोगे और चलाने के बाद हम इसके अंदर मसाले को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने हल्दी पाउडर डाला और फिर उसके बाद आपको धनिया पाउडर डाल देना है और फिर उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देना है काश्मीरी और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हो इस तरीके से हल्का सा ही डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालने के बाद फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से डाल करके हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा ही और फिर उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से चला लोगे आप और चला करके इसे धीमे फ्लेम में हल्का ही भून लेना है आपको। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से चला लेना है, चलाते हुए इसे अच्छे से 5 मिनट तक भून लेना है और फिर उसके बाद इसमें स्वादानुसार आप नमक ऐड कर दोगे। इस तरीके से आपको हल्का सा नमक डाल देना है अपने स्वाद के अनुसार और फिर उसके बाद आप चला लोगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से मसाले को भून लेना है चला करके। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे ढक करके आप धीमे फ्लेम में ही पकने दोगे और फिर उसके बाद हम इसे बीच में खोल करके चलाएंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बीच में खोल करके चला लेना है इसे। तो आपको इस तरीके से अच्छे से चला लेना है और चलाने के बाद आप देख सकते हो इसमें से तेल दिखने लगा है हल्का हल्का। और अगर आपका तेल दिखने लगे हैं सब्ज़ी में तो समझ लीजिए आपका मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पानी डाल देंगे और पानी डाल करके इसे अच्छे से चला लेंगे। इस तरीके से आपको चला लेना है और चलाने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से सब चीज़ों को मसाले मसालों को मिक्स कर लेना है चलाते हुए। फिर उसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढक करके धीमे फ्लेम में ही पकने देंगे। और फिर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको पकने देना है और ये बीच बीच में आपको खोल करके चेक भी करते रहना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चला लेना है और फिर चलाने के बाद तो इसे आपको बीच बीच में चेक करते रहना है और चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप चला करके 5-10 मिनट के लिए इसे फिर से ढक दोगे और ढक करके धीमे फ्लेम में ही पकने दोगे। और फिर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से धीमे फ्लेम में ही पकने देना है। फिर उसके बाद आप बीच में से फिर से खोल करके देख लोगे और फिर इसे खोल करके देखने के बाद हम चला लेंगे थोड़ा सा इसे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से चलाते हुए और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे चला लेना है और धीमे फ्लेम में ही इसे पकने देना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चलाते हुए अच्छे से पका लेना है इसे। ग्रेवी आपको अच्छे से ही पकाना है तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा सोयाबीन और आलू का सब्ज़ी बन करके तैयार है। हम इसे एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बाउल में निकाल लेना है बाहर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सोयाबीन और आलू का सब्ज़ी बन करके तैयार है। आप भी बनाओ और बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।